धन्यवाद, सोने की चिड़िया बना दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद कटारिया जी। नेक्स्ट श्री विजय कुमार। धन्यवाद सभापति महोदय, आज आपने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, आज एक दुखद घटना घटी है। हैदराबाद में रोजगार के लिए 11 बिहारी मजदूर वहाँ गए थे और 11 बिहारी को एक किवाड़ के दुकान में रहने के कारण उजलकर 11 व्यक्तियों को मौत हो गई और उन 11 व्यक्तियों के जो आश्रित है, मैं उनको अपने दिल से आभार, अपने दिल से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बिहारी मजदूर वहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं। बिहार में जो फैक्ट्री उद्योग धंधा न के बराबर है। बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था तो वहाँ पे न वनस्पति जंगल बचा, पहाड़ सिर्फ बचा है और बिहार में बालू बचा है। तो हम भारत सरकार से माननीय मेक फॉर इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि बिहार में भी उद्योग लगे। माननीय सभापति महोदय, बिहार में 2008 में एक स्टील प्लांट लगाने का, स्टील प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने का योजना बना था 2008 में, और वहाँ पे जमीन का भी अधिग्रहण हो गया, जमीन का मापी भी हो गई, 27.3 एकड़ जमीन का जमीन अधिग्रहण हुआ, स्थल का निरीक्षण भी हो गया, मिट्टी का जांच भी कर ली गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 13 वर्ष लगभग बीत चुका है। महोदय, बिहार में उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय बिहार के उद्योग मंत्री माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन के अथक प्रयास से बिहार में के गया जिला में एक दिल्ली अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण के लिए 1650 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का ये निश्चय किया गया है। और माननीय नेता जो हमारे नीतीश जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास करके वो अधिग्रहण करा रहे हैं। चूँकि हमारा जो एरिया है, गया का जो क्षेत्र है, हमारा संसदीय क्षेत्र का जो एरिया है, काफ़ी नक्सल प्रभावित एरिया है और वहाँ कॉरिडोर जब बन जाएगा, जमीन का जो अधिग्रहण करने का जो काम चल रहा है काफ़ी धीमा चल रहा है, काफ़ी तेजी से जमीन अधिग्रहण का काम हो और हमारा जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित एरिया है, वन क्षेत्र कम है और जो एरिया है बिहार में, एक तरफ उत्तरी बिहार जलमग्न रहता है बाढ़ के समय में, दूसरे तरफ है हमारा जो दक्षिण बिहार है सुखाड़ का मार झेलते रहती है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से कि दोनों जो इकाई है, एक तो स्टील प्लांट जो बजीरगंज में है गया का वेरू में, वो तत्काल वहाँ काम शुरू किया जाए। साथ ही साथ हम सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, माननीय सभापति जी के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि गया का जो गम्हरिया डोबी जो NH से भी जुड़ा हुआ है, NH2 से भी जुड़ा हुआ है, NH83 भी से भी जुड़ा हुआ है, और जो एरिया है आपका एरिया जो लिया गया है वो कॉरिडोर के लिए, वहाँ से हवाई मार्ग से भी काफ़ी नज़दीक है। तो हम समझते हैं कि उस पर काफ़ी गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। कल ही बिहार दिवस मनाया गया और उसमें पीयूष गोयल जी भी गए थे, सभी माननीय मंत्री बिहार के गए हुए थे
और मैं पीयूष गोयल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस के मौके पर बिहार को विशेष सहायता की बात कही थी उन्होंने। और बिहार में अपार संभावनाएं हैं, वहां आवश्यकता है उसको, बिहार को जो संभावनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए। बिहार में जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। हमारा जो बिहार है पिछड़ा इलाका है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार कई बार और हम लोग भी जदयू के जो सांसद है बार बार विशेष राज्य की दर्जा कर मांग की बात करते रहते हैं। और हमारी सरकार का जो मांग है मंशा है उसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांगते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांगते रहेंगे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद जी। श्री लवू श्री कृष्ण जी।